नमस्कार दोस्तों, अगर आपका बजट है 90,000 और आप एक लैपटॉप खरीदने जा रहे हो इसी महीने यानी कि जुलाई 2023 में, जिसमें आप कोडिंग कर पाओगे, ऑफिस के काम कर पाओगे, वीडियो एडिटिंग कर पाओगे एंड गेमिंग भी कर पाओगे, तो आप सही जगह पे आए हो। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप जो कि आप अंडर 90,000 पे खरीद पाओगे इसी महीने यानी कि जुलाई 2023 में। तो आपको रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल ही स्किप मत कीजिए। जो जो लैपटॉप के बारे में आज इस वीडियो में बात करूंगा, उन सारे लैपटॉप का बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ उस लिंक से ज़रूर खरीदना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जोर से दबा दीजिए। ओके, चलते हैं विद वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, दिस इज दिव्य ज्योति, यू वॉच यू माय चैनल डीटेकी। लेट्स स्टार्ट। पहला नंबर पर जो लैपटॉप आता है जो अंडर 90,000 पे खरीद पाओगे, वो आता है आसस की तरफ से, आसस व्यूक 16X। ये एक बेहतरीन लैपटॉप है। पहले इस लैपटॉप के खासियत के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको वेरी पावरफुल इंटेल कोर i5 का लेटेस्ट 13 जनरेशन प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसका वेरिएंट है 13500। एक पावरफुल प्रोसेसर है। इसके साथ यहाँ पर आपको डेडिकेटेड 4GB का RTX 3050 का ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छा खासा ग्राफिक्स कार्ड है। इसके साथ ऐसे आप गेमिंग एंड एडिटिंग कर पाओगे। रैम यहाँ पर आपको 16GB का DDR4 हाई फ्रिक्वेंसी रैम देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको फ्रिक्वेंसी मिलता है 3200 MHz की। स्टोरेज यहाँ पर आपको 512GB का PCIe NVMe SSD देखने को मिलता है। अब डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 16 इंच का एक IPS एंटीग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन मिल जाएगी Full HD+ की। यहाँ पर आपको 120Hz की स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको 100% sRGB भी देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पर आपको कलर सिक्योरिटी बहुत ही शानदार मिलने वाला है। तो यहाँ पर डिस्प्ले के बारे में बात करें तो डिस्प्ले इस लैपटॉप में आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगा। और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको मेटालिक बिल्ड डिजाइन के साथ देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको वेट मिलता है 1.8 kg की। दैट मीन्स यहाँ पर आपको बिल्ड क्वालिटी भी प्रीमियम देखने को मिलता है। और पोर्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको सारे तरह के पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ यहाँ पर आपको SD कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छी बात है। अब कीबोर्ड यहाँ पर आपको फुल साइज चिकलेट कीबोर्ड देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको बैकलाइट का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। अब सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको विंडोज 11 होम एडिशन प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको MS Office 2021 फ्री देखने को मिलता है। अब वायरलेस कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको वाईफाई 6E एंड ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट देखने को मिलता है। दैट मीन्स यहाँ पर आपको लेटेस्ट जनरेशन का वाईफाई एंड ब्लूटूथ का सपोर्ट देखने को मिलता है। अब बैटरी के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर आपको 3 सेल की 50Wh का बैटरी देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको 120 वाट का पावर अडाप्टर देखने को मिलेगा। कंपनी का दावा कि यहाँ पर आपको 4 से 5 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा। अब लास्ट में प्राइस के बारे में जान लेते हैं। ये लैपटॉप आपको मिल जाएगा 86,990 पे अमेजन पे। बहुत ही अच्छी प्राइस पे मिल रहा है। अगर आपको एक बेहतरीन डिस्प्ले के साथ, एक पावरफुल प्रोसेसर के साथ, मतलब लेटेस्ट जनरेशन प्रोसेसर के साथ एक बहुत ही बढ़िया मतलब लाइट वेट लैपटॉप चाहिए, तो आप डेफिनेटली ये लैपटॉप को जरूर कंसीडर कर सकते हो। अगर आप ज़्यादातर वीडियो एडिटिंग या फिर फोटो एडिटिंग के लिए एक लैपटॉप ढूंढ रहे थे तो ये लैपटॉप मस्ट बाय है। तो ये रहा इस लैपटॉप के बहुत ही अच्छी बातों के बारे में। अब जान लेते हैं ये लैपटॉप के कंस के बारे में। ये लैपटॉप में सिर्फ एक ही कंस है, जो इसका बैटरी आपको एबव एवरेज सा देखने को मिलता है। तो ये रहा इस लैपटॉप के प्रोज एंड कंस के बारे में। आप ये प्रोज एंड कंस सुनकर अगर आप ये लैपटॉप के लिए इंटरेस्टेड हो चुके हैं तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, पहले उसी लिंक से जाकर जरूर खरीदना। सेकंड नंबर पर जो लैपटॉप आता है जब अंडर 90,000 पे खरीद पाओगे, वो आता है MSI की तरफ से, MSI थिन GF63। एक बेहतरीन पावरफुल एंड गेमिंग लैपटॉप है। पहले इस लैपटॉप के खासियत के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको वेरी पावरफुल इंटेल कोर i7 का 12 जनरेशन प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसका वेरियंट है 12650H, जो कि एक पावरफुल प्रोसेसर है। इसके साथ यहाँ पर आपको 6GB का RTX 4050 का ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलता है, जो कि एक पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड है। इसके साथ ऐसे आप हैवी गेमिंग एंड हैवी एडिटिंग भी कर पाओगे। रैम यहाँ पर आपको 8GB का DDR4 हाई फ्रिक्वेंसी रैम देखने को मिलता है, जहाँ पर फ्रिक्वेंसी मिलता है 3200 MHz की। आप यहाँ पर 64GB तक एक्सपांड कर पाओगे। स्टोरेज यहाँ पर आपको 512GB का PCIe NVMe SSD देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही फास्ट होता है।
अब डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 15.6 इंच का एक IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने मिलता है, जहाँ पर आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन मिल जाएगी फुल HD की। यहाँ पर आपको 45% NTC का एंड 250 निट्स की स्क्रीन ब्राइटनेस भी देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको 144 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। दैट मीन्स यहाँ पर आपको डिस्प्ले अच्छा देखने को मिलेगा। बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर आपको प्लास्टिक बिल्ड डिजाइन के साथ देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको वेट मिलता है 1.86 kg की। दैट मीन्स यहाँ पर आपको बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। अब पोर्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको सारे तरह के पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। कीबोर्ड यहाँ पर आपको चिकलेट कीबोर्ड देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको रेड बैकलिट भी देखने को मिलता है। अब सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको विंडोज 11 होम एडिशन फ्री इंस्टॉल देखने को मिलेगा। अब वायरलेस कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको वाईफाई 6 एंड ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट देखने को मिलता है। दैट मीन्स यहाँ पर आपको लेटेस्ट जनरेशन का वाईफाई एंड ब्लूटूथ का सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब बैटरी के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर आपको 3 सेल की 53.5 WH का बैटरी देखने को मिलता है। कंपनी का दावा है कि यहाँ पर आपको 3 से 4 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा। अब लास्ट में प्राइस के बारे में जान लेते हैं। ये लैपटॉप आपको मिल जाएगा 89,990 पे अमेजन पे, बहुत ही अच्छी डील पे मिल रहा है। अगर आप एक ऐसे लैपटॉप ढूंढ रहे थे जिसमें आप बहुत ही अच्छे से गेमिंग एडिटिंग कर पाओगे, उसके साथ साथ आपको डिस्प्ले भी अच्छा मिले एंड इसका थर्मल्स भी अच्छा खासा मिले, तो आप डेफिनेटली ये लैपटॉप को बिल्कुल ही मिस मत करना। ये बहुत ही पावरफुल एंड किलर लैपटॉप है। तो ये रहा इस लैपटॉप के बहुत ही अच्छी बातों के बारे में। अब जान लेते हैं ये लैपटॉप के कंस के बारे में। सबसे बड़ा कंस, यहाँ पर आपको SD कार्ड का स्लॉट देखने को नहीं मिलता है। दूसरा बड़ा कंस, यहाँ पर आपको MS ऑफिस फ्री देखने को नहीं मिलता है। तीसरा बड़ा कंस, यहाँ पर आपको फुल साइज कीबोर्ड देखने को नहीं मिलता है, मतलब यहाँ पर आपको नम की देखने को नहीं मिलता है। चौथा बड़ा कंस, यहाँ पर आपको एवरेज बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। तो ये रहा इस लैपटॉप के प्रोज एंड कंस के बारे में। आप ये प्रोज एंड कंस सुनकर अगर आप ये लैपटॉप के लिए इंटरेस्टेड हो चुके हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, कल उसी लिंक से जाकर जरूर खरीदना। तीसरे नंबर पर जो लैपटॉप आता है जब अंडर 90,000 पे खरीद पाओगे, वो आता है Asus की तरफ से Asus टॉप गेमिंग A15। एक बेहतरीन लैपटॉप है। पहले इस लैपटॉप के खासियत के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको वेरी पावरफुल Ryzen 7 6800H प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि एक पावरफुल प्रोसेसर है। उसके साथ यहाँ पर आपको डेडिकेटेड 4GB का RTX 3050 Ti ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छा खासा ग्राफिक्स कार्ड है। इसके साथ ऐसे आप गेमिंग एडिटिंग कर पाओगे। रैम यहाँ पर आपको 16GB का DDR5 हाई फ्रिक्वेंसी रैम देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको फ्रिक्वेंसी मिलता है 4800 MHz की। आप यहाँ पर 32GB तक एक्सपांड कर पाओगे। स्टोरेज यहाँ पर आपको 512GB का PCI NVMe SSD देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही फास्ट होता है। अब डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 15.6 इंच का एक IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन मिल जाएगी फुल HD की। यहाँ पर आपको 250 निट्स की स्क्रीन ब्राइटनेस एंड 45% NTC का सपोर्ट देखने को मिलता है। उसके साथ यहाँ पर आपको 144 हर्ट्ज की स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है। दैट मीन्स यहाँ पर आपको डिस्प्ले अच्छा देखने को मिलेगा। बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर आपको प्लास्टिक बिल्ड डिजाइन के साथ देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको वेट मिलता है 2.2 kg की। दैट मीन्स यहाँ पर आपको बिल्ड क्वालिटी भी डिसेंट सा देखने को मिलता है। और पोर्ट्स के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर आपको सारे तरह के पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। कीबोर्ड यहाँ पर आपको फुल साइज चिकलेट कीबोर्ड देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको बैकलेट का ऑप्शन देखने को मिलता है। अब सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको विंडोज 11 होम एडिशन फ्री इंस्टॉल देखने को मिल जाएगा। उसके साथ यहाँ पर आपको MS ऑफिस 2021 वर्जन फ्री देखने को मिलता है। और वायरलेस कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको वाईफाई 6 एंड ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट देखने को मिलता है। दैट मीन्स यहाँ पर आपको लेटेस्ट जनरेशन का वाईफाई एंड ब्लूटूथ का सपोर्ट देखने को मिलता है। और बैटरी के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर आपको 4 सेल की 90 WH का बैटरी देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको 200W का पावर अडैप्टर देखने को मिलेगा। कंपनी का दावा कि यहाँ पर आपको 4 से 5 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा। अब लास्ट में प्राइस के बारे में जान लेते हैं। ये लैपटॉप आपको मिल जाएगा 81,990 पे अमेजन पे, बहुत ही अच्छी डील पे मिल रहा है। अगर आपको एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जिसमें आपको डिस्प्ले भी अच्छा मिले, प्रोसेसर बहुत ही पावरफुल मिले, उसके साथ साथ ग्राफिक्स कार्ड भी बहुत ही अच्छा खासा मिले एंड ये लैपटॉप में थर्मल्स भी आपको बहुत ही अच्छी खासी मिले, तो आप डेफिनेटली ये लैपटॉप को बिल्कुल ही मिस नहीं करना, क्योंकि बहुत ही अच्छा लैपटॉप है। तो ये रहा इस लैपटॉप के बहुत ही अच्छी बातों के बारे में। अब जान लेते हैं ये लैपटॉप के कंस के बारे में। सबसे बड़ा कंस, यहाँ पर आपको SD कार्ड का स्लॉट देखने को नहीं मिलता है। तो ये रहा इस लैपटॉप के प्रोज एंड कंस के बारे में। आप ये प्रोज एंड कंस सुनकर अगर आप ये लैपटॉप के लिए इंटरेस्टेड हो चुके हो तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, कल उसी लिंक से जाकर जरूर खरीदना।
नंबर चार पर जो लैपटॉप आता है जब अंडर 90,000 पे खरीद पाओगे वो आता है एसर की तरफ से, एसर नाइट्रो 5। ये बहुत ही पावरफुल एंड गेमिंग लैपटॉप है। पहले इस लैपटॉप के खासियत के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको वेरी पावरफुल राइजन 7 7735H एस प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि पावरफुल प्रोसेसर है। इसके साथ यहाँ पर आपको डेडिकेटेड 4GB का RTX 3050 का ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलता है, जो कि अच्छा खासा ग्राफिक्स कार्ड है। इसके साथ ऐसे आप गेमिंग एंड एडिटिंग कर पाओगे। रैम यहाँ पर आपको 8GB का DDR5 हाई फ्रिक्वेंसी रैम देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको फ्रिक्वेंसी मिलता है 4800 MHz की। आप यहाँ पर 32GB तक एक्सपांड कर पाओगे। स्टोरेज यहाँ पर आपको 512GB का PCIe SSD देखने को मिलता है। अब डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 15.6 इंच का एक IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन मिल जाएगी फुल HD की। यहाँ पर आपको 250 निट्स की स्क्रीन ब्राइटनेस एंड 45% इंटेंसिटी का सपोर्ट देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको 144Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। दैट मीन्स यहाँ पर आपको डिस्प्ले अच्छा देखने को मिलेगा। बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर आपको प्लास्टिक बिल्ड डिजाइन के साथ देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको वेट मिलता है 2.5 kg की। दैट मीन्स यहाँ पर आपको बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। और पोर्ट्स के बारे में बात लेते हैं, यहाँ पर आपको सारे तरह के पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। कीबोर्ड यहाँ पर आपको फुल साइज सिक्लेट कीबोर्ड देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको RGB का बैकलिट कीबोर्ड देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मतलब इसी प्राइस पे कोई भी लैपटॉप आपको RGB बैकलिट कीबोर्ड नहीं दे रहा है, बट एसर दे रहा है, सो इसलिए बहुत ही अच्छी बात है। अब सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको विंडो 11 होम एडिशन प्री इंस्टॉल देखने को मिलेगा। अब वायरलेस कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको Wi-Fi 6E एंड Bluetooth 5.2 का सपोर्ट देखने को मिलता है। दैट मीन्स यहाँ पर आपको लेटेस्ट जनरेशन का Wi-Fi एंड Bluetooth का सपोर्ट देखने को मिलता है। और बैटरी के बारे में जान लेते हैं, यहाँ पर आपको 3 सेल की 57.5Wh का बैटरी देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको 180 वाट का पावर अडैप्टर देखने को मिलेगा। कंपनी का दावा कि यहाँ पर आपको 3 से 4 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा। अब लास्ट में प्राइस के बारे में जान लेते हैं, ये लैपटॉप आपको मिल जाएगा 82,990 पे अमेजन पे। बहुत ही अच्छी डील पे मिल रहा है। अगर आपको एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जिसमें आपको प्रोसेसर बहुत ही पावरफुल मिले, डिस्प्ले भी अच्छा मिले एंड ग्राफिक्स कार्ड भी अच्छा मिले, RGB बैकलिट कीबोर्ड भी मिले, रैम भी अच्छा खासा मिले एंड सबसे बड़ी बात आपको थर्मल्स भी अच्छी खासी मिले, तो आप डेफिनेटली ये लैपटॉप को बिल्कुल ही मिस नहीं करना। बहुत ही अच्छा लैपटॉप है। तो ये रहा इस लैपटॉप के बहुत ही अच्छी बातों के बारे में। अब जान लेते हैं ये लैपटॉप के कंस के बारे में। सबसे बड़ा कंस, यहाँ पर आपको SD कार्ड का स्लॉट देखने को नहीं मिलता है। दूसरा बड़ा कंस, यहाँ पर आपको बैटरी बैकअप एवरेज का देखने को मिलता है। तो ये रहा इस लैपटॉप के प्रोज एंड कंस के बारे में। आप ये प्रोज एंड कंस सुनकर अगर आप ये लैपटॉप के लिए इंटरेस्टेड हो चुके हैं तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, एंड उसी लिंक से जाकर जरूर खरीदना। नंबर 5 पर जो लैपटॉप आता है जब अंडर 90,000 पे खरीद पाओगे वो आता है अगेन ASUS की तरफ से, ASUS VOOC S15 OLED। ये एक बेहतरीन लैपटॉप है। पहले इस लैपटॉप के खासियत के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको वेरी पावरफुल इंटेल कोर i7 का 12 जनरेशन प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसका वेरिएंट है 12700। एक पावरफुल प्रोसेसर है। इसके साथ यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड इंटेल इरिस XC ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छा खासा ग्राफिक्स है। इसके साथ ऐसे आप थोड़ी बहुत गेमिंग भी कर पाओगे। रैम यहाँ पर आपको 16GB का DDR4 हाई फ्रिक्वेंसी रैम देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको फ्रिक्वेंसी मिलता है 3200 MHz की। आप यहाँ पर 24GB तक एक्सपांड कर पाओगे। स्टोरेज यहाँ पर आपको 512GB का PCIe SSD देखने को मिलता है। अब डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 15.6 इंच का एक OLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन मिल जाएगी फुल HD की। यहाँ पर आपको 60Hz की स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको 600 निट्स की स्क्रीन ब्राइटनेस एंड HDR का सपोर्ट देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको 100% DCI-P3 भी देखने को मिलता है। दैट मीन्स यहाँ पर आपको कलर एक्यूरेसी बहुत ही शानदार मिलेगा। अगर आप फोटो एडिटिंग या फिर वीडियो एडिटिंग करते हो तो आपके लैपटॉप बहुत ही शानदार होने वाला है। तो डिस्प्ले के बारे में बात करें तो डिस्प्ले आपको बहुत ही गॉर्जियस देखने को मिलेगा। और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको मेटालिक बिल्ड डिजाइन के साथ देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको वेट मिलता है 1.8 kg की। दैट मीन्स यहाँ पर आपको बिल्ड क्वालिटी प्रीमियम देखने को मिलता है। और पोर्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको सारे तरह के पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। कीबोर्ड यहाँ पर आपको फुल साइज सिक्लेट कीबोर्ड देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको बैकलिट का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। अब सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको विंडो 11 होम एडिशन प्री इंस्टॉल देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको MS Office 2021 फ्री देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। और वायरलेस कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 का सपोर्ट देखने को मिलता है। दैट मीन्स यहाँ पर आपको लेटेस्ट जनरेशन का Wi-Fi एंड Bluetooth का
सपोर्ट देखने को मिलता है। और बैटरी के बारे में जान लेते हैं, यहाँ पर आपको 3 सेल की 70 WHR का बैटरी देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको 90 W का टाइप सी पावर अडेप्टर देखने को मिलेगा। कंपनी का दावा है कि यहाँ पर आपको 6 से 7 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा। अब लास्ट में प्राइस के बारे में जान लेते हैं, ये लैपटॉप आपको मिल जाएगा 82,990 पे अमेजन पे, बहुत ही अच्छी डील पे मिल रहा है। अगर आपको एक बेहतरीन लैपटॉप चाहिए जिसमें आपको डिस्प्ले बहुत ही गर्जियस मिले, प्रोसेसर भी पावरफुल मिले एंड लैपटॉप लाइट वेट हो जिसमें आपको गेमिंग नहीं करना है, तो आप डेफिनेटली ये लैपटॉप को जरूर कंसिडर कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लैपटॉप है। तो ये रहा इस लैपटॉप के बहुत ही अच्छी बातों के बारे में। अब जान लेते हैं ये लैपटॉप के कंस के बारे में। सबसे बड़ा कंस, यहाँ पर आपको SD कार्ड का स्लॉट देखने को नहीं मिलता है। तो ये रहा इस लैपटॉप के प्रोज एंड कंस के बारे में। आप ये प्रोज एंड कंस सुनकर अगर आप ये लैपटॉप के लिए इंटरेस्टेड हो चुके हैं तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, कल उसी लिंक से जाकर जरूर खरीदना। तो ये रहा टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप जो कि आप अंडर 90,000 पे खरीद पाओगे इसी महीने, यानी कि जुलाई 2023 में। आप कौन सा लैपटॉप के लिए इंटरेस्टेड हो या फिर खरीदने वाले हो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। अगर आपको कोई भी एक लैपटॉप पसंद आता है तो आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन पे चले जाना है, आपका जो फेवरेट लैपटॉप का डायरेक्ट लिंक वहाँ पर मिल जाएगा, यानी उसी लिंक से जाकर जरूर खरीदना और मुझे सपोर्ट करना। और हाँ, अगर आपको इन लैपटॉप के बारे में कुछ भी डाउट आता है तो आपको क्या करना है कि मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दे दूंगा। तो चलते हैं, वीडियो कहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा देना, क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ अपडेट आता है तो आपके पास जरूर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।